मैजिक का मतलब होता है सरप्राइज। लेकिन अगर आपको मैजिक का एंड मालूम हो तो आपको गेम में वो रिएक्शन नहीं मिलेंगे जो लास्ट में आने चाहिए। लेकिन इस ट्रिक को मैं गेम के दी एंड से स्टार्ट करूँगा। दिस इज़ द दी एंड, ये आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसको अभी आप खोला मत। मेरे पास एक डेक है, सारे कार्ड शफल्ड हैं, फिर भी आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कार्ड उठा के यहाँ रखिए और ये बाकी सारे कार्ड यहाँ रखते थे। आप चाहें तो टॉप कार्ड देख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो दोबारा से कुछ कार्ड उठा के यहाँ रखिए। टॉप कार्ड देखिए, चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो अंदर से भी देख सकते हो आप। कुछ कार्ड देखने, टॉप कार्ड कैमरे को दिखा दीजिए, मुझे मत दिखाइए, ओके। इस कार्ड को डेक के मिड में कहीं पर भी डाल दीजिए आप, ओके। अब बारी है गेम के एंड की। दिस इज द एंड, इसको ओपन कीजिए। 27 नेचुरली 27 आपके कार्ड की वैल्यू तो हो नहीं सकती है, माइट भी आपका कार्ड 27 नंबर पे अवेलेबल हो। सो हम 27 कार्ड यहाँ पर डील करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्या नंबर था वैसे आपका? 27 नहीं, जो कार्ड आपने देखा था, किंग ऑफ क्लब्स, क्लब शो, ओके। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ओके। अगर आपके यहाँ पर 28 लिखा होता तो ये 8 ऑफ हार्ट होता, 29 होता तो क्वीन ऑफ क्लब होता, 27। इस चीज़ को आप मानते हैं, कार्ड आपने खुद सेलेक्ट किया था और कार्ड के अंदर आपने इंसर्ट किया था। मुझे नहीं पता था कि उस कार्ड की एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो सकती है। क्या कार्ड बताया था आपने? किंग ऑफ स्पेड्स था, स्पेड्स, किंग ऑफ स्पेड्स कार्ड एट 27 नंबर। नाइस, थैंक यू, थैंक यू।